Face reveal. Face reveal, to Face revealed. Why are you called five times? No, I just thought you should know. Liberty, that suit that Rainer was looking into. Turns out it's Stormfront. But change your name, they've been moving around like a fucking Catholic. हेलो एंड वेलकम बैक तो आज का अपडेट यह है कि कल एनविडिया ने लॉन्च किए थे थ्री एट जो कि एक बहुत ही घटिया लॉन्च था मतलब पता नहीं किसी को कार्ड मिला भी है या किसी को कार्ड नहीं मिला मेरे को तो नहीं मिला और इंडिया की वेबसाइट का तो इतना बुरा हाल है कि एनविडिया ने मतलब अभी तक वहां पर नोटिफाई मी ही डाल रखा है और मतलब उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया या ऐसा कुछ तो कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया मतलब पता नहीं किस गधे ने यह सेल स्टार्ट करी थी किस गधे ने ये पेज मैनेज किया किसने किया भगवान जानता है ये क्या कर रहे हैं एनविडिया वाले तो अभी आप लोगों को गिव अवे के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे खुद के पास ही कार्ड नहीं रहेगा अगर मैंने कार्ड दे दिया तो और इंडिया में मैंने पता किया काफ़ी सारी जगह पर कार्ड के लिए तो बेसिकली वो कार्ड का बोल रहे हैं मतलब मतलब घटिया घटिया ब्रांड्स के कार्ड जो कि सेवनटी सेवेंटी फाइव के अंदर मिलने चाहिए थे वो कार्ड के प्राइजेस बोल रहे हैं नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड मतलब क्या बकवास है यार नाइन्टी फाइव थाउजेंड मतलब अपनी शक्ल देखो अपनी ब्रांड देखो, देखो अपना कार्ड देखो मतलब कुछ सोच के तो बोलो ना भाई कि यार इतने का कार्ड पड़ेगा इतने का ये नहीं पड़ेगा तो मैं मतलब हर ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ जोटेक हो सूस हो गैलेक्स हो सभी ब्रांड्स के बारे में बोल रहा हूँ मतलब अभी की हालत ऐसी है कि मतलब जिन लोगों ने कार्ड अंदर किए हैं जो भी थोड़े बहुत कार्ड इंडिया में आए थे तो जिन लोगों ने कार्ड अंदर किए हैं वो तो उसको ऐसे प्राइस पे बेच रहे हैं जैसे सोना बेच रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या बेच रहे हैं भाई साहब और एक बंदे से तो मेरी बहस होगी इस बात के लिए मतलब मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताऊँगा खैर मतलब वो बोल रहे हैं कि सर पंद्रह कार्ड आए हैं इंडिया में हमारी ब्रांड के मैंने बोला चलो ठीक है तो पंद्रह कार्ड में से पांच कार्ड बोले वो रिव्यू के कार्ड हैं मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप YouTube पे इंडिया में रिव्यू के लिए पांच कार्ड दे रहे हो पंद्रह तो टोटल कार्ड आपके आए हैं इंडिया के अंदर तो वो जो पांच कार्ड रिव्यू में दे रहे हो तो उसका रिव्यू देख के भी हम क्या घंटा कर लेंगे जब हमें कार्ड ही नहीं मिला मतलब जब आपके पास स्टॉक में कार्ड ही नहीं है तो उसका रिव्यू देख के भी हम क्या उखाड़ लेंगे मतलब आप उसका चाहे दस रिव्यूज दिखा दो चाहे चालीस रिव्यूज दिखा दो हमारे पास मैं जब कार्ड ही नहीं मिल सकता जब मैं पैसे लेके खड़ा हूँ और कार्ड नहीं ले पा रहा हूँ तो मतलब उस रिव्यू का मैं क्या करूँगा और यूएस की तो इससे भी बुरी हालत है यूएस में तो कल लोग बेचारे मतलब उन्होंने वेट किया सोलह सोलह सत्रह सत्रह घंटे जो मैंने पेजेस चेक करे हैं मतलब किसी को कार्ड नहीं मिला सबके सब कार्ड बोर्ड्स ले गए और वह सब सब कार्ड ई पे सेल हो रहे हैं मतलब पता नहीं कितने में सेल हो रहे हैं कोई तीन हज़ार डॉलर कोई मतलब दस हज़ार बीस हज़ार डॉलर पचास हज़ार डॉलर जिस कार्ड का प्राइस सिक्स नाइनटी नाइन है उसको पचास हजार डॉलर में सेल कर रहे हैं मतलब सीरियसली ये एनविडिया ने किया क्या है मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया तो अभी शायद मेरे को कार्ड में एक मंथ और लगने वाला है एक मंथ या दो मंथ जब भी ये स्टॉक जो आएगा इंडिया में पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा इंडिया को तो वो कुछ समझते ही नहीं है फिलहाल तो देखो अभी कब मेरे को कार्ड मिलता है और कब मैं गिव अवे अनाउंस कर पाऊंगा तो चलो खैर मैंने काफ़ी बैश कर लिया मेरे ख्याल से एनविडिया को आ, वैसे उनका बनता भी था इस बार तो बैश करना मतलब आप लॉन्च कर रहे हो क्या कर रहे हो यार गन्ना बेच रहे हो क्या मतलब एक ही कार्ड था क्या आपके पास में या दस पंद्रह कार्ड थे जो आपने लॉन्च कर दिए पता नहीं भगवान जानता क्या किया बट चलिए तो आपको और मेरे को किसी ने पूछा था कि आपको पी पे गेम्स पसंद है या पी फोर पे या एक्स पे तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पी पे गेमिंग कर रहे हो या आप एक्सबॉक्स पे गेमिंग कर रहे हो या फिर आप प्ले स्टेशन पर गेमिंग कर रहे हो अरे इवन मोबाइल पे भी गेम करो आपको मज़ा आना चाहिए अगर आपको गेम खेलने में मज़ा आ रहा है ना तो मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे गेम करो यार जैसे मर्जी खेलो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे गेमिंग करो क्योंकि बेसिकली गेमिंग का फर्स्ट जो रूल यही है कि आपको मज़ा आना चाहिए मतलब इट डजेंट मैटर कि आप सारा क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हो या आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए आपको रिलैक्स फील होना चाहिए तो बेसिकली ये मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से और फिज़िकल और डिजिटल में भी किसी ने मेरे को पूछा था कि आ, मेरे को फिजिकल कॉपी लेना अच्छा लगता है डिजिटल तो खैर मेरे को फिजिकल कॉपी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मतलब जब मैं पैसा देता हूँ तो इन हैंड मेरे को कुछ मिलता है उस चीज़ के लिए जिसका मैं कवर आर्ट देख सकता हूँ या जिसको मैं अपने शो में रख सकता हूँ तो जब मैं अभी Xbox और PlayStation 5 लेने वाला हूँ तो मैं डिजिटल वर्जन नहीं लेने वाला हूँ खैर इंडिया में हमारा नेट भी अब सबको पता ही है कि कितनी स्पीड है कितनी नहीं है एफ कैसा है दस जी बी बीस जी बी मतलब तो मैं डिजिटल वर्ज़न नहीं लेने वाला हूँ एक्सबॉक्स का और पी का मैं जो है वो डी वाला वर्ज़न जो ब्लू रे वाला वर्जन होगा मैं वही वाला वर्जन लेने वाला हूँ तो गिव अवे के लिए मेरे पास बेसिकली आ, ये दो वायर्स हैं ये कस्टम स्लीप वायर्स हैं ये बेसिकली कोर्सर की पावर सप्लाई के लिए आपके ग्राफिक कार्ड के लिए तो अगर किसी को भी ये चाहिए हो मतलब ये दो वायर्स तो ये मैं उसको शिप कर सकता हूँ बस आपको कमेंट्स में लिखना है गिव अवे और जितने भी गिव अवे वाले कमेंट्स होंगे तो उन कमेंट्स को मतलब मैं एक बॉल में डाल के स्लिप पे तो उसमें से एक विनर निकालूंगा और उसको ये दोनों के दोनों वायर्स दे दूँगा बट हाँ अगर आपकी सप्लाई मॉडलर है तभी आप इन वायर्स को मतलब अवे के लिए आप एंट्री करें वरना मतलब आपको इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला तो ये है वो दो वायर्स तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया इन वीडियो को तो इतना तो बनता ही है उनका यार क्या किया मतलब सीरियसली क्या किया आप लोगों ने यार ये इतना क्या लॉन्च किया और जो यूएस की हालत है वो तो हमसे भी ज़्यादा खराब है हमारे में तो शायद सेल्स स्टार्ट ही नहीं करी रही मीडिया ने बट वो तो बेचारे लाइनों में लगे रहे या कुछ हुआ तो यूएस की हालत पे तो मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, रह है बाय